वेलकम टू माई YouTube चैनल इच एसिक्रू इस वीडियो में हम स्काफोल्डिंग और स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज में स्काफोल्डिंग से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली स्काफोल्डिंग्स एक सब टॉपिक है वर्क एट हाइट एक्टिविटी का जिसमें हमने किसी भी एलिवेशन के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है और यूजली स्काफोल्डिंग्स वहाँ पर यूज की जाती हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए वर्क एट हाइट एक्टिविटीज परफॉर्म करना होती हैं ये कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हो सकता है या फिर शटडाउन एक्टिविटीज भी हो सकती है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम एक स्ट्रक्चर या एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि मैन और मटेरियल को ड्यूरिंग वर्क एट हाइट एक्टिविटीज सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ स्काफोल्डिंग देख लेते हैं स्काफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट वर्कर एंड मटीरियल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटीज एट एलिवेशन तो सिंपल इज दैट बेसिक लेवल के ऊपर इंटरव्यूअर स्टार्ट में आपसे बेसिक डेफिनेशन ही पूछता है और अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्काफोल्डिंग के बारे में क्वेश्चन होगा और फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज स्काफोल्डिंग इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन है द स्काफोल्डिंग इज अ प्लेटफॉर्म यूज्ड टू सपोर्ट मेन एंड मटेरियल ड्यूरिंग वर्क एट हाइट एक्टिविटी तो बंदों और मटेरियल्स को सपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग वर्क एट हाइट एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बेसिकली स्काफोल्डिंग बोला जाता है अब नेक्स्ट आ जाता है इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली जितने भी शटडाउन प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे हमें इसी तरह की फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं इन्हें हम ट्यूब एंड कपलर्स का फोल्डिंग भी बोलते हैं और ये हमारे पास मोबाइल्स का फोल्डिंग नहीं है ये फिक्स्ड का फोल्डिंग है जो कि एक ही जगह के ऊपर अरेक्ट होती है और अगर उसको मूव करना है तो उसको पहले डिसमेंटल करना पड़ता है और फिर दोबारा से रीअरेक्ट करना पड़ता है नेक्स्ट पोजिशन के ऊपर जाके तो वन बाय वन हम इसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स को साथ साथ हम देखते जाएंगे स्टार्ट करेंगे हम बॉटम लेवल से ग्राउंड लेवल से और साथ साथ ही हम बाकी के इसके सारे स्टेप्स जो है उनको डिस्कस करते जाएंगे तो फर्स्ट वन इज सोल बोर्ड ये जो बॉटम लेवल के ऊपर ज़मीन के ऊपर कुछ फटे या आप प्लैंक्स कह लें वो रखे होते हैं वुडन प्लैंक्स लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं इनको हम सोल बोर्ड बोलते हैं अब ये सोल बोर्ड किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं बेसिकली ये कोलैप्स ऑफ स्का फोल्डिंग ड्यू टू अगर अगर डायरेक्ट हम पाइप्स को रख देंगे तो वो जमीन में दंत जाएंगे जिसकी वजह से इसका फोल्डिंग टोपल ओवर हो सकती है तो ये इस चीज को प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करते हैं इनको हम बेस जो हमारे पास सोल बोर्ड्स बोलते हैं जो कि डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हम जो है इसका फोल्डिंग को अरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो अगर हम सोल बोर्ड को देखें सोल बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सोल प्लेट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट यूज इन स्काफोल्डिंग सिस्टम्स क्रिटिकल कंपोनेंट होता है अगर ये ना हो तो स्काफोल्डिंग के टोपल ओवर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोल बोर्ड सोल प्लेट इज टू स्प्रेड द लोड इम्पोज बाई द स्काफोल्डिंग अक्रॉस लार्जर एरिया ऑफ ग्राउंड मतलब के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिकली सोल बोर्ड जो है वो यूज़ होते हैं और सोल बोर्ड रिड्यूज द रिस्क ऑफ स्काफोल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू टिपिंग टिपिंग क्या होता है कि उसका नीचे धंस जाना और उसका बाद उसका उलट जाना स्काफोल्डिंग का उसको ये प्रिवेंट करते हैं तो ये बेसिक फंक्शन है सोल बोर्ड का और इस जो वुडन प्लैंक होता है उसको बेसिकली हम टर्म में फोल्डिंग टर्मिनोलॉजी में सोल बोर्ड बोलते हैं नेक्स्ट इज सोल बोर्ड कैन वेरी इन साइज बट कॉमन साइज इज 300 हंड्रेड एम एम बाई थ्री हंड्रेड एम एम थ्री हंड्रेड एम एम बाई थ्री हंड्रेड एम एम के ये लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनको हम सोल प्लेट्स के नीचे या बेस प्लेट्स के नीचे रखते हैं इनको हम सोल बोर्ड और सोल प्लेट्स बोलते हैं नेक्स्ट हम चलेंगे उसी स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर तो इन जो प्लैंक सोल बोर्ड्स होते हैं इनके ऊपर नेक्स्ट स्टेप बेस प्लेट आती है अब बेस प्लेट भी हमारे पास सेम फंक्शन करती है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली हम पाइप जो है उसको जमीन के ऊपर भी नहीं रखते डायरेक्टली पाइप को हम जो है सोल बोर्ड के ऊपर भी नहीं रखते इसके नीचे एक बेस प्लेट आती है इसमें हम जो इसका फोल्डिंग ट्यूब होती है जो वर्टिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम पुट इन करते हैं स्पेसिफिकेशन देख लेंगे बेस प्लेट इज अ फ्लैट स्क्वायर रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट विद सेंट्रल शंक सेंट्रल शंक क्या होता है जिसके ऊपर वो ट्यूब आके तो सेट हो जाती है या तो ट्यूब उसके अंदर इन्वर्ट हो जाती है या फिर ट्यूब उसके बाहर इन्वर्ट हो जाती है इसको हम शंक बोलते हैं एंड फ्लैट बॉटम होता है स्कैफोल्डिंग वर्टिकुलर ट्यूब और स्टैंडर्ड्स को ये सपोर्ट करता है सोल बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट इज द बेस प्लेट हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द स्का सोल बोर्ड आर ऑन ग्राउंड अगेन सेम फंक्शन है लोड डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प आउट करती है बेस प्लेट वेरी इन साइज बट कॉमन साइज इन 150 फिफ्टी एम एम बाई वन फिफ्टी तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप याद रखें लेकिन नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे स्क्रू जैक्स अब देखिए सेम मिलता जुलता सोल प्लोट प्लेट की तरह की ये कंस्ट्रक्शन है लेकिन ये वहां पे यूज होता है यहाँ पे अनिवन ग्राउंड है मतलब ऊंची नीची जगह है तो उसका फोल्डिंग को बेस लेवल के ऊपर लेवल करने के लिए हम स्क्रू जैक्स यूजली यूज करते हैं अब इसका सेम फंक्शन है सोल प्लेट की तरह लेकिन इसमें हम हाइट ऑफ जो स्टैंडर्ड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं तो दिस टाइप ऑफ जैक इज ऑन यूज यूजन सर्विस नॉट बी यूज मोर देन टू थर्ड ऑफ इट मतलब दो बटे तीन अगर इसके टोटल हम तीन हिस्से कर लेते हैं तो दो हिस्से हम खोल सकते हैं ऊपर वाला हम हिस्सा नहीं खोलेंगे बिकॉज ट्यूब के टोपल ओवर होने के चांसेस जो है फोल्डिंग स्टैंडर्ड के वो बढ़ जाएंगे तो ये हमारे पास एक प्रिकॉशनरी मैयर है इसका इट्स कॉमन कपैसिटी थ्री थाउजेंड के जी एक जो हमारे पास स्क्रू जैक है इसकी कैपेसिटी थ्री थाउजेंड के जी होती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है एंड प्लेट साइज इज कॉमन अराउंड वन फिफ्टी एम एम बाई वन फिफ्टी एम एम जो सोल प्लेट का साइज था वही इसकी बेस प्लेट जो है स्क्रू जैक की उसका भी सेम साइज होता है नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे जो हमारे पास वर्टिकल पाइप्स ऑफ द स्काफोल्ड है या वर्टिकल ट्यूब्स ऑफ द स्काफोल्ड है इनको हम बेसिकली स्टैंडर्ड्स बोलते हैं अब स्टैंडर्ड्स बेसिकली वर्टिकल पाइप होते हैं जो कि सारस का फोल्डिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं इनको हम स्टैंडर्ड या फिर पोस्ट भी बोलते हैं मतलब कि स्टैंडर्ड्स भी इनको कहा जाता है और पोस्ट भी इनको बोला जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो हॉरिजेंटल ट्यूब्स होती हैं किसी भी इसका फोल्डिंग में इनको हम लेजर्स या फिर रनर्स बोलते हैं अगेन ये भी इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही होती हैं इसी तरह से जो हमारे पास वर्टिकल पाइप्स लगे होते हैं मतलब अगर हम दीवार को फेसिंग है तो जो पाइप्स दीवार से हमारी तरफ आ रहे होंगे या जो हमारे पास रनर्स या फिर जो हमारे पास लेजर्स लगे हुए हैं उनके वर्टिकल होंगे जिनके ऊपर हम सारे प्लैंक्स वगैरह को सिट ऑन करते हैं इनको हम बेसिकली ट्रांसम बोलते हैं इनको लोड बेरर भी बोलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो डाइगनल पाइप्स लगे होते हैं इनको हम फेस्ड ब्रेसिंग कहते हैं ये इसका फोल्डिंग को जो जिग जैग मूवमेंट्स जो होती हैं या मतलब कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती हैं उनको ये कम करते हैं और उसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर को रिजिड या फिर आप ये कह लें कि ज्यादा स्टेबल बनाते हैं इसी तरह से ये जो हमारे पास जो ये लेजर्स होते हैं ये साइड लेजर्स भी लगे होते हैं इनको हम लेजर टू लेजर ब्रेसिंग भी कहते हैं मतलब ब्रेसिंग जो साइड लाइन पर ब्रेसिंग लगी होगी हम उसे लेजर टू लेजर ब्रेसिंग कहते हैं जो हमारे पास हॉरिजेंटली फ्रंट फेसिंग होगी उसको हम डेफिनेटली जो है उसको फेस्ड ब्रेसिंग बोलते हैं और जो साइड पे ब्रेसिंग लगी होती है उसको हम लेजर टू लेजर ब्रेसिंग भी कहते हैं तो सिंपल इज दैट ब्रेसिंग का काम बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर को एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो ऑफर करती है ये ब्रेसिंग्स जहां पर भी, भी हमने इसका फोल्डिंग को एड ऑन करना होता है और इसकी प्रॉपर कैल्कुलेशन होती हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद हमने ये ब्रेसिंग्स जो हैं उनको अटैच करना है और यूजली ये सोल क्लम्प जो हैं उनके जरिए हम इसको स्काफोलिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं नेक्स्ट हम चलेंगे ये सारी चीजें जिसमें लेजर्स हैं रनर्स हैं पोस्ट्स हैं ट्रांसफॉर्म्स हैं

अब देखिये ये हमने अगेन जरूरी नहीं है कि हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर याद रखें लेकिन हमें ग्रॉस आइडिया एक होना चाहिए वॉल थिकनेस ऑफ द स्काफोल्डिंग ट्यूब इज 3.2 मिलीमीटर टू 4.0 मिलीमीटर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की स्काफोल्डिंग है लाइट ड्यूटी है हैवी ड्यूटी है या कहा पे वो यूज हो रही है स्टैंडर्ड लेंथ आर ऑफन सिक्स मीटर बट दे कैन ऑल्सो कट इन टू द डिफरेंट साइज एज पर द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेंथ जो है एक ट्यूब की क्या होती है सिक्स मीटर होती है लेकिन इनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काटा जा सकता है वेट ऑफ द स्टैंडर्ड सिक्स मीटर स्टील ट्यूब जो है जो ट्यूब है उसका अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी के जी वेट होता है एक सिक्स मीटर का फोल्डिंग ट्यूब का तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी स्काफोल्डिंग ट्यूब की जो कि हमारे पास आ, मतलब कि सारा स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं ट्यूब्स और कपलर से मिलके बनता है तो इसकी स्पेसिफिकेशन थी ये कुछ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गार्डिंग सिस्टम या जो हम हम जिसे कहते हैं कि साइड गार्ड्स ऑफ द तो उसमें हमारे पास टॉप रेल आ जाती है मिड रेल आ जाती है अबाउट फोर्टी फोर इंचिस पे टॉप रेल लगती है अबाउट ट्वेंटी टू इंचज पर मिड रेल लगती है डिफरेंट हमारे पास इसकी हाइट और साइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्का और इसी तरह से जो एज प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसमें टो बोर्ड जिसमें एक मतलब प्लैंक को वर्टिकली लगा दिया जाता है ताकि कोई भी मटीरियल इक्विपमेंट साइड एजिस से नीचे ना गिरे उसे हम टो बोर्ड भी बोलते हैं ये भी हमारे पास एज प्रोटेक्शन में ही आ जाता है और इसमें सिंपल इसका फोल्डिंग प्लैंक्स यूज हो रहे होते हैं नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे पास कुछ कपलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले आ जाता है राइट एंगल कपलर ये राइट एंगल पे जितनी भी हमारे पास का फोल्डिंग फिटिंग्स लग रही होती हैं वो इसी कपलर से बेसिकली बन रही होती हैं ये भी हमारे पास मेटल कपलर्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी या फिर इसका फोल्डिंग ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं इस तरह से स्वल कपलर है जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी uh, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो फेस ब्रेसिंग लगती है या फिर जो लेदर टू लेदर ब्रेसिंग लगती है उसमें जो कपलर यूज हो रहा होता है बेसिकली स्वर्ल कपलर यूज हो रहा होता है इस तरह से लेडर के ऊपर एक क्लोजिंग बार लगता है उसमें भी ये स्वर्ल कपलर यूज होता है नेक्स्ट हमारे पास कपलर में आ जाता है जिसे हम स्लीव कपलर बोलते हैं और ये दोस्त का फोल्डिंग ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ये दो ट्यूब्स में दोनों ट्यूब्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं और ये ऊपर इस तरह से इसको नट से टाइट कर देते हैं तो इसको हम स्लीव कपलर बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट पिन आ जाता है ये भी दो का फोल्डिंग ट्यूब्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है बट दे दोनों ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट हो जाता है जब हम इसमें नट को टाइट करेंगे तो ये अंदर से ओपन हो जाता है और दोनों ट्यूब्स को टाइटली अंदर से होल्ड कर लेता है अगेन सेम स्लीव कपलर जैसी फंक्शनैलिटी है इसकी कि दो ट्यूब्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट हम क्लम्पस uh, को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अलग से तो क्लम्प क्लम्पस आर कपलिंग्स आर यूज्ड टू सिक्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्का फोल्डिंग ड्यूरिंग एरेक्शन फोल्डिंग एरेक्शन जैसा कि हमने पहले बोल दिया कि ट्यूब एंड कपलर जिसका फोल्डिंग है तो कपलर्स को ट्यूब्स के साथ मिला के हम उसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कपलर्स एंड कपलिंग्स के फॉलोइंग टाइप्स होती हैं जिसमें राइट एंगल क्लम्प है ऑलरेडी जितने भी राइट एंगल फिटिंग्स लगेंगी ट्यूब्स की वहां पर राइट एंगल कपलर यूज होता है स्वर्ल कपलर जहाँ पे फेस ब्रेसिंग लगनी है लेजर टू तो लेदर ब्रेसिंग लगनी है वहाँ पे स्वर्ल कपलर बेसिकली यूज़ हो रहा होता है बीम क्लम्प्स अगर हमने इसका फोल्डिंग को किसी स्ट्रक्चर बीम के साथ सिक्योर करना है तो वहाँ पे बेसिकली बीम क्लम्प को हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास ऑयन गैस के प्लांट्स होते हैं या ड्यूरिंग शट डाउन बीम कप जो क्लम्प्स हैं वो सेवरल पॉइंट्स के ऊपर यूज हो रहे होते हैं ताकि इसका फोल्डिंग को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ हम सिक्योर कर सकें नेक्स्ट इज पोटलॉग क्लम्प अब ये क्लम्प बेसिकली जो हमारे पास प्लैंक्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर के साथ या जो हमारे पास ट्रांसम्स होते हैं उनके साथ फ़िक्स करने के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है इसी तरह से ये प्लैंक क्लम्प जो एक प्लैंक को दूसरे प्लैंक के दरमियान में लगता है और प्लैंक्स को आपस में होल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है इसको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं और जो पोटलॉग कलम्प है ये हमारे पास जो अगर हम स्टैंडर्ड्स या लेजर्स के साथ अगर हमने ट्रा, ट्रांसम्स को फिक्स करना है तो वहां पे भी ये क्लैंप जो है क्लैंप जो है लॉक क्लैंप जो है वो यूज हो रहा होता है इसी तरह से लैडर क्लैंप है तो जहां पे हमने लैडर को फिक्स करना होता है इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ तो वहां पे बेसिकली इस लैडर क्लैंप के साथ हम सिक्योर करते हैं स्टैंडर्ड्स या फिर पोस्ट के साथ लैडर को नेक्स्ट हमारे पास स्लीव क्लैंप आ जाता है अगेन द फंक्शनैलिटी दो का फोल्डिंग ट्यूब्स को आपस में जोड़ने के लिए ये ट्यूब्स को ऊपर से कवर करता है नट को टाइट करता है ताकि एक लेंथ को अचीव किया जा सके बिकॉज रनिंग्स का फोल्डिंग्स में सेवरल्स का फोल्डिंग ट्यूब्स को आपस में जोड़ के रनर्स या फिर जो हमारे पास हॉरिजेंटली डिस्टेंस पाइप पाइप्स होते हैं ट्यूब्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इस तरह से ज्वाइंट पिन क्लम्प क्या है बेसिकली दो ट्यूब्स को जोड़ने के लिए ही यूज होता है लेकिन ये ट्यूब में इंटरनली यूज होता है दोनों का पर्पज सेम है स्लीव क्लम्प और ज्वाइंट पिन का के दो ट्यूब्स को जोड़ के लेंथ ऑफ का फोल्डिंग ट्यूब जो है उसको अचीव किया जाता है दैट्स ऑल अबाउट का फोल्डिंग एंड फोल्डिंग कंपोनेंट्स होप यू गॉट गुड आइडिया अबाउट द का फोल्डिंग कंपोनेट्स और जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलिवेंट टू द का फोल्डिंग कंपोनेट वो इन्हीं में से होंगे सो ट्राई टू मेमोराइज द थिंग ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट क्लियर योर Uh, specifically, construction site interviews. So, that's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video. Also, subscribe to the channel and stay tuned for upcoming videos.